तो यहाँ टू 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 का आपका डिफरेंस है, तो यू कैन सी दिस। सबसे पहला काम, इंटरवल जो गिवन है उसका आपने मिड पॉइंट ले लिया, दैट आर द कॉरेस्पॉन्डिंग जो है एक्साइज है, देन कॉरेस्पॉन्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन थी। फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आई हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एंड एक्स आई, तो दिस इज फिक्स। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज का प्रोडक्ट लेने, ये वाला वन इस वन के साथ, ये थ्री और टू, फाइव और वन, सेवन और फाइव, नाइन एंड सिक्स, इलेवन एंड टू, देन थर्टीन एंड थ्री, इनकी आपने प्रोडक्ट लेने हैं। सो वन इंटू वन इज वन, थ्री टू आर सिक्स, फाइव वन आर फाइव, सेवन फाइव आर 35, नाइन सिक्स आर 54, इलेवन टू आर 22, देन थर्टीन थ्री आर 39। अब इनका सम टोटल लेना है हमने, इनको हम ऐड कर देंगे। इधर से फ्रीक्वेंसीज का सम टोटल लेना है। कैलकुलेशंस करो जल्दी से एंड टेल मी। यहाँ तो ये हमें 20 गिवन है, सम टोटल की 20 हाउसेस का उन्होंने चेक किया था। ये सम टोटल आप निकालेंगे तो दिस विल बी 162। मेन जो स्टैट्स है इसमें आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, एंड द सेकंड थिंग कि आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस अपनी करेक्ट रखनी है। यस चिराग, हम आपकी वीडियो ब्लर आ रही है। जस्ट अ मोमेंट, इज इट ओके नाउ? इज ओके, फाइन, थैंक यू। सो समीशन एफ आई एक्स आई आ गया हमारे पास 162, समीशन एफ आई आ गया 20। नाउ वी आर टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। सो मीन इज समीशन फिक्सी अपॉन समीशन फी, दैट इज 162 अपॉन 20, दैट इज 8.1। अब दिस इज द नंबर ऑफ प्लांट्स, अदरवाइज नंबर ऑफ प्लांट्स है तो कोई यूनिट नहीं है। अदरवाइज अगर आपको यहाँ वाली टर्म्स में कोई यूनिट गिवन है तो दैट यू आर टू राइट डाउन अलोंग विद द आंसर, अदरवाइज हाफ मार्क आपका डिडक्ट हो जाता है। सो दोबारा देख लो इसको, इंटरवल्स गिवन होंगे हमें, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन होंगी, ये टेबल आपको गिवन होगा, यू आर टू फाइंड आउट द मीन। तो हमने मीन के लिए, क्योंकि वैल्यूज आर स्मॉल तो वी हैव गॉन फॉर द डायरेक्ट मेथड, जो इंटरवल्स आपके गिवन है यूजिंग द क्लास मार्क फॉर्मूला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय टू, आपने उनके मिड पॉइंट्स निकालने में है, देन कॉरेस्पॉन्डिंग मिड पॉइंट्स और फ्रीक्वेंसीज का प्रोडक्ट, उसके बाद फ्रीक्वेंसीज का सम, इससे डिवाइड करना है आपने जो प्रोडक्ट आया है आपका फ्रीक्वेंसीज और जो आपके इंटरवल्स के मिड पॉइंट्स थे उनके सम को फ्रीक्वेंसीज के सम से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द मीन। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर वन था। क्वेश्चन नंबर वन में आपसे पूछा गया था विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो जो भी आपने मेथड यूज किया है आप उसका नेम यूज कर दोगे। वी आर हैविंग ओनली टू मेथड्स हियर, वी हैव गॉन फॉर द डायरेक्ट मेथड, तो आप यहाँ पे साथ में लिख देंगे वी हैव यूज्ड डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द मीन, वी हैव यूज्ड डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द मीन एंड वाई में, बिकॉज द वैल्यूज वर स्मॉल, बिकॉज द गिवन वैल्यूज वर स्मॉल, क्योंकि वो हमारे लिए कैलकुलेट करनी इजी थी, वैल्यूज स्मॉल थी, सो वी हैव गॉन फॉर दिस मेथड। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में वी आर गिवन कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। हमें 50 वर्कर्स का जो है यहाँ पे गिवन है, वेजेस का रिकॉर्ड गिवन है, डेली वेजेस इन रुपीज। अब यहाँ पे देखो डेली वेजेस जो हमें गिवन है दैट इज इन रुपीज, तो इट मींस जो आपका आंसर आएगा विद दैट यू आर टू राइट डाउन द यूनिट एज रुपीज। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाई यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। अब ये आपकी मर्जी है, आप अगर चाहो तो इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, बट मैं अब नेक्स्ट मेथड पे जा रही हूँ, दैट इज द एज्यूम्ड मीन मेथड। आई होप दिस मेथड इज क्लियर। इफ एनी वन इज हैविंग एनी डाउट आई एम गिविंग यू द ऑप्शन टू अनम्यूट, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन आस्क योर डाउट। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ
एंड क्लियर योर डाउट. अदरवाइज वी विल गो फॉर द नेक्स्ट मेथड, दैट इज द अज्यूम्ड मीन मेथड. अब एक चीज और आप ध्यान रखोगे कि जो भी आपकी मीन की वैल्यू आएगी दैट विल बी फ्रॉम वन ऑफ दीज वैल्यूज. यहाँ जीरो से लेके 14 हमारी मैक्सिमम गई है, तो जीरो से लेके 14 के बीच में हमारा जो मीन है वो आएगा. अब यहाँ पे एक चीज का आपने और ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे जो हमारे आया है मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस वो आया है 8.1, तो आप आंसर 8.1 ही दोगे अनटिल और अनलेस वो आपको राउंड ऑफ करने के लिए नहीं कहता. हालांकि हमें पता है कि 8.1 जो है दैट फॉर नंबर ऑफ प्लांट्स दैट इज नॉट पॉसिबल, बट आप आंसर में यही दोगे बिकॉज दिस इज द मीन वैल्यू दैट वी आर गेटिंग. तो मीन जो है वो आपका डेसिमल्स में हो सकता है, सो दैट्स व्हाई वी हैव गिवन दैट इन डेसिमल्स. अदरवाइज नंबर ऑफ प्लांट्स जो है यू नो दैट कैन दैट शुड बी एन इंटेग्रल वैल्यू. नाउ द नेक्स्ट वन इज द एज्यूम्ड मीन. तो एज्यूम्ड मीन के लिए हम क्या करते हैं, लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर टू. इसी में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. द इंटरवल्स डेली वेजेस की फॉर्म में मुझे गिवन है दैट आर 100 to 120. 200 तक 2020 के गैप पे 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200. The corresponding frequencies are 12, 14, 8, 12, 14, 8, 6 and 10. अब यहां ध्यान देना, हमने क्या करना है अगेन जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू फाइंड आउट द क्लास मार्क. मीन में हमेशा हमें एक सिंगल वैल्यू जो है क्लास मार्क की फॉर्म में चाहिए होती है. 100 and 120 दोनों को एड डिवाइड बाय 2 फॉर फाइंडिंग आउट द क्लास मार्क. तो 220 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 110. नेक्स्ट 130, 20 का डिफरेंस है, 20 एड करते जाओगे तो यहाँ से आपको वैल्यूज मिल जाएंगे. If you want to go for the direct method, you can go for the direct method, but मैं यहाँ पे आपको assumed mean method करवा रही हूँ. Assumed mean नाम से ही पता लग रहा है कि हम खुद से mean को क्या करेंगे, assume कर लेते हैं. Mean जब भी आपका आएगा that will be from the given class intervals. तो mean क्योंकि मुझे एक value लेनी है तो अब मैं x size में से लूंगी. Normally हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज है मेरे पास, तो 5 की जो मिडल वाली बनती है उसको मैं एज्यूम्ड मीन मान लेती हूँ, दैट इज डिनोटेड बाय ए. जो भी आपके क्लास मार्क्स आए उसकी, वैसे तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, योर आंसर विल बी सेम, क्योंकि वही लास्ट में हम ऐड कर देते हैं, पहले हम उसको माइनस करते हैं. तो मैं कोशिश मेरी ये होती है कि जो भी मेरी मिडल वाली वैल्यू बन रही है उसको एज्यूम्ड मीन ले लूं. इन केस अगर यहाँ पे आपके पास इस तरीके से 6 होते तो 3rd या 4th में से आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी आप ले लेते. नेक्स्ट स्टेप हमारा बनता है. हाँ जी बेटे. मैम बुक में हमें जो क्लास इंटरवल है वो 500 टू जैसे 520 गिवन है. हाँ जी. तो मैम हम वो लेंगे या मतलब उससे मैम वो डिफरेंट आएगा ना एक्स है. कौन सी क्वेश्चन में कह रहे हो बेटे आप? मैम क्वेश्चन सेकंड. हाँ जी. ये हम चेंज कर देते हैं नो प्रॉब्लम. तो अकॉर्डिंगली आपके जो मिड पॉइंट्स हैं दैट विल आल्सो चेंज. जिनके पास अगर 100 वाला है तो दे कैन गो फॉर 100 आल्सो. मेन हमारा जो यहाँ पे पर्पस है दैट वन इज कि हमें मेथड क्लियर हो, हमें कैलकुलेशंस करनी आती हैं. अब अकॉर्डिंगली जो हमारे मिड पॉइंट्स हैं इनके वो चेंज हो जाएंगे. दिस विल बी 510, दिस इज 530. तो यू कैन सी कि यहाँ पे जो हमारी कैलकुलेशंस हैं अगर हम करेंगे तो थोड़ी सी जो है हमें ज्यादा करनी पड़ेंगी. तो वी आर गोइंग फॉर द एज्यूम्ड मीन मेथड. अब अगेन
फाइव टर्म्स बन रही थी मेरे पास जो मिड वैल्यूज दे रही थी मुझे, उसमें से जो मेरी सेंट्रल वाली टर्म थी उसको मैंने अज्यूम्ड मीन ले लिया। अब नेक्स्ट यहाँ हम डिनोट करते हैं डी आई से, क्योंकि ये हम डिफरेंस निकाल लेंगे। आईज हम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज वन टू थ्री फोर फाइव टर्म्स की हम बात कर रहे हैं। तो डी वन मतलब ये वाली टर्म, इसका डिफरेंस हम लेंगे, डी टू मतलब इसका डिफरेंस, डी थ्री मतलब इसका, डी फोर मतलब इसका, डी फाइव मतलब इसका। जब भी हम मीन के क्वेश्चन कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की कोई वैल्यू हम अपने पास से चेंज नहीं करेंगे, यानी कि जो भी हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं दैट कैलकुलेशंस वी आर डूइंग विद एक्साइज ओनली, फ्रीक्वेंसी हम अपने पास से चेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। तो इस कॉलम को एज इट इज लेना है, ये हमने नहीं छेड़ना, ये ध्यान रखना। जो भी हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं दैट वी आर डूइंग ऑन दिस एक्स आई। अब डी आई इज दिस अज्यूम्ड मीन को माइनस करते हैं एक्स आई में से, एक्स आई माइनस ए। अब फर्स्ट वाला जो मेरा एक्स आई है यानी कि एक्स वन, अब यहाँ देखो क्या बन जाएगा, डी वन इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एज्यूम्ड मीन मैंने कितना लिया 550। तो डी वन यानी कि ये वाली टर्म, एक्स वन यानी कि ये वाली टर्म, तो 510 में से 550 यू विल सब्ट्रैक्ट, तो दिस डिफरेंस इज माइनस 40। नेक्स्ट लेके चलेंगे 530 और 550, 530 में से 550 आप सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट -20, देन 550 माइनस 550 इज जीरो। अज्यूम्ड मीन के सामने वाली वैल्यू हमेशा डिफरेंस में, दैट विल ऑलवेज बी जीरो। नेक्स्ट दिस विल बी 20, 590 माइनस 550 इज 40। तो ये मेरे पास कॉरेस्पॉन्डिंग्स डी आईज आ गए। अगेन हमने सेम चीज करनी है, समेशन एफ आई डी आई। अब एफ आईज मेरे ये हैं, डी आईज ये हैं, मल्टीप्लाई करो एंड सिंप्लीफाई। माइनस 480 माइनस 280 दिस इज जीरो, दिस इज 120, दिस इज 400। इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, और हम फाइंड आउट कर रहे हैं समिशन एफ आई डी आई। यहाँ पे दिस इज समिशन एफ आई जो मुझे गिवन है, 50 वर्कर्स है तो मैंने इसको 50 ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, दिस इज 520, दिस इज 720, तो डिफरेंस आ गया इनका -220। कैलकुलेशंस एक बार चेक कर लेना। समीशन क्या है, एफ आई एंड डी वन, एफ आई डी आई, समीशन एफ आई डी आई। उसमें एफ आई एक्स आई किया था, यहाँ क्योंकि हमने एक्स आई को कन्वर्ट कर लिया डी आई में, तो दिस इज समीशन एफ आई डी आई। अब मीन इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ ध्यान देना, हमारा वैसे फॉर्मूला क्या होता है मीन का, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में हम क्या करते हैं समीशन एफ आई से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स आई को कन्वर्ट किया डी आई में, तो समीशन एफ आई डी आई को हम डिवाइड करेंगे समीशन एफ आई से। लेकिन हमने यहाँ क्या किया है, ए जो है वो खुद से सब्ट्रैक्ट किया था, तो आंसर को सेम बनाने के लिए मीन में हम क्या करेंगे, ए को ऐड कर देंगे, यानी कि जो हमारा एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला बना दैट इज ए प्लस, क्योंकि यहाँ पे मैंने खुद से माइनस किया था तो सेम वैल्यू आई हैव टू ऐड ओवर हियर, प्लस समीशन, पहले हम फिक्स ही लेते थे अब हम फिडी ले लेंगे, समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। अब वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। एक चीज का और ध्यान रखना है, जो इनके आगे साइंस आ रहे हैं वो साइन एज इट इज लेके चलोगे। सो हेयर इट इज 550 प्लस समीशन एफ आई डी आई इज -220 अपॉन 50। अब इसको सिंप्लीफाई करो एंड यू विल गेट योर आंसर। ये हो गया आपका 550 माइनस 4.4, सो दिस इज 545.6 रुपीस। सो मीन वेजेस आ गए हमारे पास 545.6। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेटिंग मिस्टेक की है, दिस इज 6। मेक द कैलकुलेशंस करेक्ट, मैंने वहां पे माइनस 480 और माइनस 280 को
720 लिख दिया था, दिस इज माइनस 760, सो माइनस 240 हो जाएगा, यहाँ चेंज करो एंड देन चेंज हेयर अगेन, तो दिस इज 4.8, सो दिस विल बी 544.2, 545.2, 545.2. जिनका 100 के साथ गिवन था, 100 टू 120 या 120 टू 140, सो देयर आंसर विल बी 145.2. और आगे यूनिट जरूर लगाना है, डेली वेजेस हमें रुपीस में गिवन था, तो रुपीस जो है यूनिट आपने जरूर लगाना है. वंस अगेन सी द मेथड, हमने अज्यूम्ड मीन मेथड यूज किया है. हमने सबसे पहले क्या किया, जैसे डायरेक्ट में भी और अज्यूम्ड मीन में भी सेम फर्स्ट स्टेप है हमारा, वी विल फाइंड आउट द क्लास मार्क. उसके बाद डायरेक्ट में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऐड करके डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कर देते थे, हमारा आंसर आ जाता था. अज्यूम्ड मीन में हमने क्या करना है, जो हमने क्लास मार्क्स निकालने हैं उसमें से किसी एक वैल्यू को हम मीन कर लेते हैं, एज्यूम कि ये हमारा एज्यूम्ड मीन है जो हमने खुद से माना है. तो ये आ गया आपका 550. फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है, हमने इसके बाद क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है. डिफरेंस अगेन जो भी चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का कर रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का ले रहे हैं. तो दिस डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे. एक्स आई माइनस ए, जहां पे भी एक्स आई की बात हो रही है मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लास मार्क्स. तो एक्स आई में से ए अगेन कॉरस्पॉन्डिंग लेके चलने हैं. 510 में से assumed mean 550 था, 510 minus 550 minus 40, 530 minus 550 minus 20, 550 minus 550 0, 570 minus 550 20, 590 minus 550 is 40. उसके बाद सेम स्टेप्स जैसे डायरेक्ट मेथड में थे, फ्रीक्वेंसीज के साथ इनका प्रोडक्ट लो. तो साइन अगेन ध्यान रखना है, यहाँ जो है आगे वो लेके चलोगे. 12 into 40 with minus sign tha, so that is minus 480. 14 into minus 20, minus 280. Then 8 into 0, 6 into 20, 10 into 400. So ye hamare paas values aa gayi. In dono ko negative walon ko maine alag add kar liya, positive walon ko maine alag add kiya. Fir overall inka addition liya, to mere paas jo answer aaya that is minus 240. माइनस 240 आ गया. अब फॉर्मूला जो है मेरा चेंज हो जाएगा एज्यूम्ड मीन के लिए, दैट विल बी एक्स बार. मीन हमेशा एक्स बार से आप डिनोट करोगे, तो दिस इज एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई. तो 550 प्लस एफ आई डी आई मेरा नेगेटिव था, माइनस 240 अपॉन 50. आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में ले लो, सिंप्लीफाई करके दिस इज माइनस 4.8. आप अपने वे में कैलकुलेशन कर सकते हो. Then 550 में से subtract किया 4.8, तो 545.2 is your answer. So this was your question number 2. Two more questions जो हैं that we will do from this exercise. आपको मैं homework parts बता देती हूँ. Jaslyn, you can unmute yourself बच्चे. मैम मैंने वन में assumed mean 550 को assume लिया, हम किसी और को भी ले. हाँ जी बेटा, किसी को भी ले सकते हो. आप चाहो तो 530 ले लो, 570 ले लो, that is your wish. लास्ट में क्योंकि हम सेम वैल्यू यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना, तो अकॉर्डिंगली जो आपने assumed mean लिया है उसके अकॉर्डिंगली आपकी DIs की वैल्यू चेंज होगी, इसका सम टोटल चेंज होगा, ये दो वैल्यूज आपकी चेंज होंगी, तो आंसर लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में आपका सेम आएगा. अज्यूम्ड मीन इज अप टू यू, आप इन पांचों में से कोई एक वैल्यू ले सकते हो. मोस्टली जो है हम सेंटर वाली वैल्यू को लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर और नीचे वाली जो है, सेंटर वाली वैल्यूज के ऊपर नीचे वाली वैल्यूज जो है ऑलमोस्ट कई बार सेम आ जाती है, तो वो कैंसिल हो जाती है. अदरवाइज आप किसी भी वैल्यू के लिए जा सकते हैं, दैट इज योर चॉइस. होमवर्क पार्ट्स मार्क कर लो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 आपका थोड़ा टाइम लेगा, तो दैट वी विल डिस्कस टुमारो. उसमें अननोन फ्रीक्वेंसी एफ कैलकुलेट करनी है. क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद हम डिस्कस करेंगे. और क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 8 एंड 9, 4, 6, 7,
8 एंड 9 आर योर होमवर्क पार्ट्स. इनको आपकी मर्जी है, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करो चाहे अज्यूम्ड मीन से करो, दैट इज योर विश. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में देखो हमें गिवन है क्लास इंटरवल्स 50 to 52, देन 53 to 55. अब दो तरीके हैं. यस ऋषित मैम, सेकंड क्वेश्चन भी होमवर्क है? नहीं, ओनली 4, 6, 7, 8, 9. 5 दे दिए, 4 मैं करवा रही हूँ, ठीक है? टोटल 9 क्वेश्चन. ओके मैम. सो फिफ्थ क्वेश्चन में देखो हमें गिवन है, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. अब number of mangoes हमें given है 50 to 52, 53 to 55, 56 to 58, 59 to 61, 62 to 64. And the number of boxes 15, 110, 135, 115, 25. Find the mean number of mangoes kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose? अब ये हम करेंगे assumed mean से. आप चाहो तो डायरेक्ट से भी कर सकते हो. Whatever method you will use, you will write down the name of the method over here. अब उससे पहले अगर मैं वैसे इसको डायरेक्ट करूं तो डायरेक्ट भी मेरा हो जाएगा. तो डायरेक्ट इन द सेंस कि विदाउट मेकिंग इट कॉन्टिन्यूअस, तो वो आप खुद ट्राई करेंगे. मैं इसको कॉन्टिन्यूअस बनवा के फिर आपको करवाऊंगी. कॉन्टिन्यूटी लाने के लिए आपको वैसे नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी बताया गया होगा, व्हाट यू आर टू चेक इज यू आर टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटरवल्स अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, 52, 53 to 55, then 56 to 58, 59 to 61 and 62 to 64. सबसे पहले आप इसको कॉन्टिन्यूस बनाना सीख लो, बाकी मेथड आपको पता है. कॉन्टिन्यूटी के लिए हमने क्या करना है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव इंटरवल्स लेके पहले वाले का अपर लिमिट दूसरे वाले का लोअर लिमिट उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है. यू विल सी कि जो मर्जी आप ले लो डिफरेंस जो है हर एक में वन का आ रहा है. जो भी डिफरेंस है उसको आप टू से डिवाइड कर दो, आपके पास आ गया 0.5, क्योंकि 1 का डिफरेंस था तो हमने 2 से डिवाइड किया. हमेशा आपने ऐसे करना है, व्हाटएवर इज द डिफरेंस डिवाइड दैट ऑलवेज बाय 2, क्योंकि हम 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं. जो ये डिफरेंस है वो हम 2 पार्ट्स में आधा आधा बांट देंगे. अब डिफरेंस मेरे पास कितना आ गया 0.5 का. इसको जो है कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हमने क्या करना है, लोअर लिमिट में से इसको माइनस कर देना है और अपर लिमिट में आपने क्या करना है उसको ऐड कर देना है. लोअर लिमिट में जब आप उसको माइनस करोगे 50 में से, जब आप 0.5 माइनस करोगे दैट विल बी 49.5. अपर लिमिट में इस डिफरेंस को आपने क्या करना है, ऐड करना है. तो दिस विल बी 52.5. 53 में से हाफ माइनस करोगे 52.5, तो यू कैन सी कि ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम आ जाएंगे. देन 55 में ऐड करोगे, 56 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करोगे, 58 में ऐड करोगे, 59 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करोगे, 61 में ऐड करोगे, 62 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, 64 में आप इसको ऐड करोगे. तो ये हमारा डाटा क्या बन गया, कॉन्टिन्यूस. सेम आगे प्रोसीजर है. आप देखोगे कि अगर आप इसका मिड पॉइंट निकालते हो तो मिड पॉइंट क्या है आपका, 49.5 प्लस 52.5 डिवाइडेड बाय 2. तो इसका मिड पॉइंट जो है आपका सेम आएगा जैसे इसका आ रहा है. तो यू विल गो फॉर दैट. तो ये आप ट्राई कर लेना खुद से. 51, देन 53, देन 57, सो दैट विल बी योर मिड पॉइंट्स. इज इट क्लियर, आई होप. So, इसका मिड पॉइंट विल बी 51, दिस विल बी 54, दिस विल बी 57, 60, 63.
और अगर आप इधर से भी इनके मिड पॉइंट्स चेक करते हो तो दिस विल बी 51, 54, 57, 60 एंड 63. अब ये मिड पॉइंट्स आ गए, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है इनकी 15, 110, 135, then 115 and 25. अब assumed mean ले लो x i's में से 57 को and then find out di. Then fi di you will calculate. अब इनको ऐड करना, इनको ऐड करना, आपके पास समीशन एफ आई डी आई आ जाएगा. समीशन एफ आई आपके पास ये है, टोटल आप कर लेना, गिवन नहीं है हमें यहाँ पे. उसके बाद फॉर्मूला ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई एंड सिंप्लीफाई एंड यू विल गेट योर आंसर. ए की जगह आप 57 लेके चलोगे. So I hope you will be able to complete this. Main आपने बस यहाँ ध्यान रखना है, जो इन दो consecutive terms का difference है उसको 2 से divide कर दो या उसका half कर दो, और lower limit में से वो value minus करनी है, upper limit में वो value add करनी है, बस ये ध्यान रखना है. तो ये आपका data consecutive हो जाएगा, continuous हो जाएगा. Data continuous हो गया तो उसके बाद same procedure follow करना है, mid point निकालना है, then assumed mean निकाला हमने, corresponding differences निकाले, then F I D I उसका sum, then formula में values put करो and you will get your answer. Question number 3 unknown. मैम ये direct method से भी हो सकता है ना? हाँ जी हो सकता है बेटे, you can do. That is your choice. क्योंकि mentioned नहीं है हमें question में कि कौन सा method हमने use करना है, so any of the methods you can use. ठीक है? So I hope you will be able to complete this question and the homework parts you will do today only, क्योंकि उसमें कोई भी unknown quantity वाला नहीं है. तो same day अगर आप practice करोगे तो that will be better for you, because कल जो है मैं question number 3 करवाने के बाद I will start with the next exercise. तो mod वाली है वो exercise, तो कल हमारा next formula शुरू हो जाएगा. So for both of these two formula you have to do the practice today only, otherwise एक दिन में सब कुछ करना will be difficult for you people.